जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसा वीडियो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा है कि आप अपने रेगुलेशन में बदलाव करिए। बहुत सारे ऐसे किन नियमों में बदलाव करिए, एक ऐसा नियम जहां पर आप समझ सकते हो कि दो जवान साथ में भर्ती होते हैं या दो जवान जो कि जूनियर सीनियर से ज्यादा पैसा लेता है या जो दो लोग भर्ती हो रहे हैं उनमें से एक की पैसा ज्यादा है एक की कम है, यानी मंथली जो पेमेंट है जूनियर का सीनियर से ज्यादा या दोनों बराबर हैं तो एक का ज्यादा एक का कम क्यों। एक यानी इसके ऊपर बात करें, इंक्रीमेंट के ऊपर बड़ा डिसीजन दिया है। क्यों दिया है, किस केस में दिया है, जरा बाद में बात करते हैं। दूसरा है डिसेबिलिटी पेंशन। आप डिसेबिलिटी पेंशन की लोगों को एएफटी में जाना पड़ता है और मामले हमारे पास आते हैं और जुनूनी तौर पर वो सही होते हैं। आप अपने नियमों का हवाला देते हो, चाहे इंक्रीमेंट का हो चाहे आपका डिसेबिलिटी पेंशन का हो, लेकिन उन नियमों के तहत आप उसको डिनाई करते हो, लेकिन उसके जो तथ्य हैं वो सत्य होते हैं और डिसीजन इंडिविजुअल के हक में जाता है। क्यों ना आप ऐसे नियमों में अपना बदलाव करिए। जब इतना सारा बदलाव सिस्टम में हो रहा है, फौज के चीजों में इतना बदलाव हो रहा है, तो ये मामला बार बार एक एक जवान को अपने हक के लिए जो उसका जुनून हक है उसके लिए क्यों लड़ना पड़ता है। आइए बोर्ड पर समझते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश जूनियर की पे सर्विस से ज्यादा इंक्रीमेंट। दोस्तों सबसे पहले दो इंक्रीमेंट जवान का कहां से शुरू होता है, गड़बड़ वहां से होती है जिसको बोलते हैं इनिशियल इंक्रीमेंट। और इनिशियल इंक्रीमेंट लगता है आफ्टर अटेस्टेशन, जैसे ही आपकी कसम परेड हो जाती है और लगता है। अब होता क्या है कि एक बंदा यानी वो भर्ती हुआ है और उसका ट्रेनिंग पीरियड है एक साल का, और उसी के साथ एक बंदा भर्ती हुआ है उसका ट्रेनिंग पीरियड डेढ़ साल का, तो वो डेढ़ साल बाद अटेस्टेशन होगा और एक है वो एक साल के बाद होगा। तो जो बंदा एक साल की ट्रेनिंग खत्म करेगा वो ऑलरेडी उसकी तनख्वाह ज्यादा हो जाती है। तो ये दोनों केस सिमिलर है। आपने बहुत सारे स्टार्टिंग यहां से होती है कि किसी ड्राइवर ट्रेड की ट्रेनिंग कम है, टेक्निकल है उनकी दो साल के बाद कसम परेड होती, सेंटरों में अलग अलग सेंटर अलग अलग तरीका है। तो यहां से शुरुआत हो जाती है, यहां से एक गंदी शुरुआत होती है कि जूनियर हमेशा ज्यादा ले रहा है, भले वो ड्राइवर है, वो एक पढ़ा लिखा टेक्निकल ट्रेड है एक्स ग्रुप में, ये वो बेचारा दो ढाई तीन साल उसकी ट्रेनिंग में लग जाता है, फिर तनख्वाह किसी में अंतर है नहीं। तो ऐसी चीजें हैं कि जैसे बंदा एनरोलमेंट होता है उसका अटेस्टेशन के बाद उसका जो इंक्रीमेंट है उसके एनरोलमेंट डेट से स्टार्ट कर देना चाहिए या उसकी सीनियरिटी उस हिसाब से लेना चाहिए। अटेस्टेशन कभी भी हुआ हो इसका कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत सारे हजारों ने लाखों केसेस हैं जवान सफर कर रहे। दूसरा सर्विस इंक्रीमेंट। अब सर्विस इंक्रीमेंट का एक ऑप्टी का फिक्स है, किसी का एक जुलाई को मिलता है, कभी किसी का जनवरी को मिलता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आज तक कंफ्यूज है, ऑप्टी करता जवान को इतना पढ़ा लिखा नहीं ना, उसको पता है कि किसमें क्या जाना है, और बैठे हुए उसमें ऑफिस स्टाफ है, उन्होंने जो जल्दबाजी में जो कर दिया, वहां भी जूनियर की ज्यादा हो जाती है सीनियर की कम हो जाती है। पहले प्रमोशन ले लेता है तब उसके सर्विस इंक्रीमेंट में प्रमोशन इंक्रीमेंट के साथ सर्विस इंक्रीमेंट गड़बड़ हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया कि एक जवान रिटायर्ड हो रहा है 30 जून को, तो उसको 1 जुलाई वाला इंक्रीमेंट क्यों नहीं दिया जाए। इसका केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, फटका लगाई एमओडी को। एमओडी भी जब एएफटी डिसीजन देती है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं जाके, उन्होंने बोला ये सरेआम है कि बंदा एक साल आप नौकरी किया है तो उसको इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिलेगा। इसी तरह चाहे वो 30 दिसंबर में जा रहा हो चाहे 30 जून को जा रहा हो, उसका ये इंक्रीमेंट ड्यू है तो उसको मिलेगा। ये जो इंक्रीमेंट होते हैं ये 3% के होते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक जवान को लाखों का घाटा होता है। अब उसके लिए वो एएफटी में जाए, एएफटी से फिर एएफटी में चैलेंज करता है तो एमओडी खड़ा हो जाता है, फिर एमओडी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता है। इतनी हिम्मत हर एक जवान की तो नहीं होती, लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हम इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। आप देखिए मैं आपके साथ एक इंग्लिश में कटिंग शेयर कर रहा हूं, परसों भी इसके ऊपर मैंने फ्लैश आउट किया था कि ये डिसीजन। चलो दूसरी बात कहता हूं डिसेबिलिटी पेंशन की। आज मैं आपके सामने कम से कम दो केस शेयर कर रहा हूं जो कि अभी पिछले दो महीने के हैं, लखनऊ एएफटी के हैं, और जहां पर मैंने जस्टिस आप देख सकते हो सबका लिखा है, यूसी श्रीवास्तव साहब हैं और हमारे करवे साहब हैं मेजर जनरल, उनके वर्डिक्ट में जो एडवोकेट उन्होंने जो केस लड़के हैं आर के मिश्रा साहब हैं जो मैं उनसे मेरी बात हुई, तो इसमें दुर्भाग्य है कि एयरफोर्स के सब जवान हैं जो कहीं ज्यादा आईटी में नहीं जाते। इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन हाइपरटेंशन केसेस में नाना है फिर भी लिया। बोला मैं फौज में था, मैं छुट्टी पर नहीं था। मान लो कि तो कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं, हम छुट्टी में लापरवाही में होते हैं, उसमें आप नॉट एक्टिवेटेड कर सकते हो, बट मैं फौज में रहते हुए
फौज के प्रेशर से, फौज के खाना पीना से हुआ है तो हुआ है, तो ये आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। जब एयरफोर्स वाले पीस इलाके में रहकर हाइपरटेंशन का लाभ ले सकते हैं तो आर्मी वालों के लिए क्यों नहीं। अब इस लाभ के लिए क्या इंडिविजुअल अपनी अपनी लड़ाई लड़े, नहीं, ये मामला अब सीधा सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और हम उम्मीद करते हैं आपको एक या डेढ़ साल के अंदर, एक साल के अंदर बहुत सारे नियमों में बदलाव होना बहुत जरूरी है। आप इसमें समझ सकते हो कमेंट्स करिए, मैं इसकी भी चीजें आपके साथ पूरी शेयर कर रहा हूँ, 7-8 पेज के वर्डिक्ट है वो शेयर कर रहा हूँ अभी के सितंबर 22 के, और जब उनको 30% की जगह 50% बोर्ड का पैसा के लिए दिया है 6 महीने में, और 8% इंटरेस्ट के साथ इंडिविजुअल को पेमेंट का भी आदेश दिया है एफटी का, आप ये भी पढ़ सकते हो। यानी चीजें हैं थोड़ी सिस्टमेटिक नहीं है, हमें उनके लिए एक्स्ट्रा परेशान होना पड़ता है, और यही चीजें यदि सुप्रीम कोर्ट सीधा एमओडी के नियमों में बदलाव हो जाए तो जवानों को ये सब उनके एक रूटीन में आ जाए, उनको भटकना ना पड़े। दोस्तों इन दोनों चीज़ों के साथ मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया, पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक अवेयरनेस है, लोगों में जागरूकता हो। आर्मी वाले वैसे ही बहुत कम समय हमारे पास नहीं होता, हमें इतनी चीज़ें नहीं आती संज्ञान में, प्लीज आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।